करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। सबसे पहले वेलकम टू इंडियन आइडल 12। वी आर सो लकी कि आप यहां पर हैं। थैंक यू सो मच मैम यहां पर आने के लिए। और इससे पहले इंडिया जिस उम्र की इस वक्त अंजलि गायकवाड़ है यानी कि 15 साल की, उस उम्र में नीतू जी ने लेकर हम दीवाना दिल शूट कर लिया था। लेकर हम दीवाना दिल, जिस उम्र में इस वक्त अरुणीता कांजीलाल है यानी कि 18 बरस की, इस उम्र तक नीतू जी ने कभी कभी और दीवार जैसी फिल्में कर ली थी। और जो उम्र निहाल की है यानी कि 22 की, इस उम्र में ये 70 फिल्में और शादी करके एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। साधन को इस कदर जीने के बाद 22 की उम्र में रिटायरमेंट लेना, अपने खुद पर कंट्रोल को सलाम। अगर मैंने साक्षात देखा है कोई नूर तो वो है नीतू कपूर। और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी ग्रेट एक्ट्रेस, बिकॉज हम आपके परफॉर्मेंस के एक एक डायलॉग, एक एक जो फिल्में आपने की है और आपका पर्सोना जो है, पर्सनालिटी जो है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल नीतू जी। आप कमाल, आप आज तक यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द बिजनेस। मैंने आपको समझ नहीं आ रही है मैं रिएक्ट कैसे करूं आप लोगों के। आप रिएक्ट कीजिए मत, आप बस जस्ट एंजॉय। आपकी फैन हूं और आपकी और आपकी मैं नेहा से अभी मिली थी बीच में। हाँ जी, हम लोग फ्लाई कर रहे थे और जब मैंने नेहा को देखा, इट वॉज लाइक दिस फैन मोमेंट। आई वॉज लाइक सो ओवरवेल्म्ड। लेकिन आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। आज हम उदास नहीं होंगे। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ऋषि जी एंड माई मेमरीज टूगेदर। करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल चोरा चोरी नहीं, हमको करेंगे दिल जो कहे हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे। दुश्मन जमाना और सुन, हाँ बता, सबको मिलता नहीं है खजाना। अरे बोलो ना, प्यार का है ये दुश्मन जमाना और सुन, हाँ बता, सबको मिलता नहीं है खजाना। जिनको अजी ये खजाना मिले, देंगे उनको ये दुनिया जले, हम वो करेंगे दिल जो कहे हमको जमाने से क्या। Yeah!
पर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल लेकर हम लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम मेरे उजाले तरम पम लेकर हम दीवाना दिल दिस वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग मेरी लाइफ का पहला गाना था तो मैं कुछ आई थिंक 13 साल की थी आई वॉज इन द 8th स्टैंडर्ड और मैंने ये गाना किया था कुछ समझ नहीं थी कुछ नहीं था बट मैंने कर लिया उसके बाद बॉबी रिलीज हुई हम तुम माय हस्बैंड वाज वेरी यंग ही वाज 21 एंड आई वाज 15 और 14 आई डोंट नो व्हाटएवर एंड ही बिकेम बहुत बड़े एक्टर बने मतलब ओवरनाइट फेनोमेना हो गया एंड ऑल दैट सो लेकिन उनके साथ काम करने के लिए कोई लड़की नहीं थी बिकॉज सब बड़ी बड़ी थी हेमा जी थे रेखा थी जीनत एवरीबडी वाज लिटिल ओल्डर सो दे हैड सीन माय सॉन्ग लेकर हम दीवाना दिल तो बस उसके बाद लाइन लग गई हमने तुमको देखा तुमने ऋषि जी के साथ मूवीज सो आइदर इट वाज मैं होती थी या एक नई लड़की होती थी इनिशियली 5-6 मूवीज हम लोगों ने कर लिए तो मैम जब ऋषि सर ने पहली बार आपको देखा तभी उनको आप पे क्रश हो गया नहीं नहीं मेरे को तो बहुत वो जहर लगते थे बिकॉज़ यू नो उनकी आदत है बुली करने की तो हर बात में बुली करना ये किटर पिटर 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 तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी बहुत छोटे थे तो मुझको कभी ये लड़की पसंद आती थी कभी वो आती थी पसंद उन दिनों में यू कुड नॉट डेट तो मेरे को बोलते थे उसको ज़रा फ़ोन पे बुला दे तो मैं उसको डेट पे लेके जाना चाहता हूँ सो मैं वो लड़की को फ़ोन करती थी एंड ऋषि जी वुड टेक वो लड़की फॉर अ डेट तो ऐसे ये चलता रहा किस्सा फिर एक दिन इनको रियलाइज किया इसिस के एक्चुअली यू नो आई डोंट मेरे को कोई पसंद नहीं आ रहा है आई लाइक यू बिकॉज तू बड़ी सिंपल है तू बड़ी भुली है आई डोंट नो व्हाट ही लाइक आई डोंट नो रियली आई डोंट नो फिर वहां से हमारा शुरू हो गया हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे फिर आई रिमेम्बर कभी कभी की शूटिंग थी एंड वी वर इन कश्मीर एंड ये जा रहे थे बारूद की शूटिंग पे पेरिस आई थिंक सो वहाँ से एक उन्होंने मेरे को टेलीग्राम भेजी सिखनी याद आई ओह माय गॉड बस वहाँ से मेरा काम शुरू हो गया देन आई वॉज पूरे यश जी को पैम जी को सबको मैं दिखा रही थी मेरा देखो क्या भेजा है मेरे को ही इज इन लव विद मी सिखनी याद आई बचपना था अच्छा था जाने दो नीतू जी मेरे पास लव्स नहीं है लेकिन मैं इन लोगों का परफॉर्मेंस सिर्फ सुन रहा था मैं देख आपको रहा हूँ एक्चुअली हमारी यहाँ पे एक प्रथा है कि हम लोग काला टीका करते हैं अगर कोई सिंगर ग्रेट परफॉर्मेंस देता है
देखिए आप इतनी पहले तो खूबसूरत है कि आपको काला टीका लगा दो यार। आई स्वेयर आज ये काला टीका नेहू नीतू जी को लगा दो यार। ओह माय गॉड, पहले तो आज नीतू जी को काला टीका कान के नीचे लगा दिया जाए। ओह माय गॉड। मैम आपके बहुत सारे फिल्म्स देखी है मैंने, और मैंने देखा है कि आपने बचपन से ही एक्टिंग शुरू किया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई और कौन सी उम्र से हुई है। मैं कुछ थी 7-8 साल की, सो दो कलियाँ की ऑडिशंस चल रही थी। सो एक्चुअली हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो हम लोग बॉम्बे आए हुए थे, तो मेरे को बुलाया गया, मैं गई मेरी मम्मी के साथ। सो कृष्णन पंजू उसके डायरेक्टर थे। सो उनका क्या आदत थी कि आगे का बटन खोल के बीच में बनियान और ऊपर बैठ के वो लोग ऑडिशन कर रहे थे। सो मैं जैसे गई, मैं बोला पहले तो आप अपना बटन बंद करो और पाँव नीचे करो, फिर मैं ऑडिशन करूँगी। सो उसी में वो इतने इम्प्रेस हो गए कि आई गॉट दैट मूवी दो कलियाँ। आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त? हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, और हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम साधों जन्म मिलते रहे हो जैसे। लगी बन गई है दिल की लगी, अरे
इतने कमाल के एक्टर तो थे ही और इतने कमाल के डांसर थे. Absolutely wrong. तो उनके साथ Absolutely wrong. He was the worst dancer. वो डांस करते थे from here to here. उनके हाथ और उनका फेस. जी. उनका लेग वर्क इतना खराब था, इतना खराब था कि मैं परेशान हो जाती थी. So ये गाने के लिए एक मैं और एक तू. So उसमें एक स्टेप था. वो साइड में जाते हैं टक टक टिक चिक टिक चिक हां देन यू गो ऑन द साइड एंड देन यू गो एट द बैक. कौन से हो ही नहीं हो ही नहीं हो ही नहीं. और गर्मी कम तभी एसी तो होते नहीं थे स्टूडियोस में. जी जी. तो पसीना पसीना और पंखे लगा रहे हैं और ऋषि जी करी जा रहे हैं रिहर्सल. और मेरे को बोले तू भी आ. मैं मिनी ड्रेस और बूट्स के साथ सो अनकंफर्टेबल. और मैं सोचूं ये आदमी डांस क्यों नहीं कर सकता. आई मीन इट्स सच अ सिंपल स्टेप बट ऑन स्क्रीन जी हिज फेस एंड हिज हैंड मोमेंट्स वाज सो अमेजिंग. एक मैं और एक तू द नोबडी लुक्ड एट हिज लेग वर्क. लेग वर्क किसने देखा ही नहीं. उनका लेग वर्क एकदम खराब था. नीतू जी अगर अभी आप यहाँ पर वो स्टेप कर रही थी. अभी आपको तो अभी भी सब कुछ याद है. आपको पता ही है. Genuinely. हमें एक बार लाइव अगर वो मिल जाएगा तो हमारे लिए फैन मोमेंट होगा. Oh God. Yes, ma'am, please. अगर हो सके तो. वो स्टेप पता नहीं मेरे से अभी ये उम्र में होगा कि नहीं. पर ये उम्र में क्या 25 साल बाद भी होने वाला है. नीतू जी से कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट हमारे पास मैम एक शख्स हैं और जिनका नाम है मोहम्मद दानिश जो ये हमारे शो के हीरो हैं और इनफैक्ट ये नींद में भी ये डांस स्टेप्स जो हैं ये प्रैक्टिस करते रहते हैं. दानिश ये मौका नहीं गंवाना चाहिए. आपको फटाफट स्टेज पे आइए. तो एक बार नीतू मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. मैम प्लीज ब्लेस अस. एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह. yeah. और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था. एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह. एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह. बार नीतू मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ओह माय गॉड मैम. एक बार नीतू जी के लिए तालियां और दूसरी सेट ऑफ तालियां फॉर दानिश का नसीब. मतलब क्या नसीब पाया नीतू जी के साथ. बट डजंट ही लुक लाइक ऋषि जी लिटिल बिट.
कुछ है रिजेम्बलेंस, कुछ तो है, लग रहा है ना the cuteness and the smile, the something. क्या हो रहा है तुम्हारे साथ दानिश? थैंक यू मैम. और इस कमेंट के बाद दानिश 10-12 दिन डेफिनेटली नहीं सोने वाले हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू. आई मीन वी आर सो फॉर्चुनेट. मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है. अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप
बहुत अच्छे अरुणिता और पवनदीप, यू नो मेरे वो बोलते हैं ना रोंटे खड़े हो गए. इट वाज सो दोनों की आवाज, माय गॉश, इट्स आउटस्टैंडिंग. बहुत बहुत सुंदर. एंड एक आपका सुर परफेक्ट है, आपका साउंड परफेक्ट है, एक्सप्रेशंस है. एवरीथिंग वाज देयर इन द सॉन्ग, यू नो, इट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल. Thank you, man. Thank you. इन दोनों के ड्यूएट राउंड में जी सर नंबर वन परफॉर्मेंस आज तक का, बिकॉज जो सुर लगे हैं अरुणिता के, उफ, कोई अलग लेवल पे तुम्हारे सुर लगे हैं. इतने कमाल के सुर. थैंक यू सर. अरे रिकॉर्डिंग में भी इतने इतने परफेक्ट आना ना बहुत मुश्किल है. चाबी डाली हुई है. हाँ जी मैम. सो ये चाबी मैंने डाली थी उसमें, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया. सो दिस की बिकेम द दीवार की दोज डेज. नोबडी विल, अभी आप सबको नहीं पता होगा, बट ये की यहाँ पे थी और बिकॉज क्लोजअप पे पूरा गा रहा था तो की वॉज वेरी प्रोमिनेंट. और ये की मिस्टर कपूर ने मुझे डाली थी कि तुम्हारी दिल की चाबी अभी बंद हो गई है और मेरे गले में ये चाबी डाल दी थी. So that key I use in that song. Itna successful, itna public ne itna pyar diya aapko. I know. And you just one day decided, nahi, I'm getting married and that's it. You know, Vishal, kya hua ki mere ko bachpan mein na ye do kaliyan, ye sab movies aa gayi na. Ji ji. So I became like everybody used to love me. To mere ko fame ka kuch wo attraction nahi thi. Haan. So it was like a job. तो मैं जाती थी, शूटिंग करती थी. सो देयर वाज नो लाइक मैं फेमस हो जाऊं. मैं बहुत बचपन से ही थी. सो देयर वाज नथिंग न्यू फॉर मी. सो छोड़ना. एंड व्हेन आई लेफ्ट, मैंने कितने लोगों का साइनिंग अमाउंट्स वापस दिए, नोटिसेस भेजा. अप्रैल में मेरी इंगेजमेंट हुई थी एंड आई हैड टू गेट मैरिड. जनवरी में मेरी शादी थी. सो मैंने 9 महीने के लिए, 8 or 9 months, आई सेंड नोटिसेस कि मैं शादी कर रही हूँ, उसके बाद यू विल नॉट हैरस मी. No dubbing, nothing. So, फटाफट यहाँ पे कोई मेरा क्लोजअप ले रहा है तो कोई मेरा कुछ कुछ और कर रहा है, you know, trying to complete the shootings. तो बहुत हलचल थी उन दिनों में. बट फिल्मों से ज्यादा तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने शादी की उस वक्त तो आपने पूरे दुनिया के दिल भी तोड़े सारे. अरे अरे ये क्या हो गया लगता. But ma'am, like, did you ever regret कि मतलब acting miss करी आपने कभी, ऐसा कुछ हुआ कि यार एक film और कर लेती. I know, मेरे को नहीं, ऐसा नहीं हुआ because I just got my 2 children soon after मेरी शादी हुई. रिधिमा हो गई, फिर रणबीर हो गया. So मेरा ध्यान बस उसी में लगा रहा, फिर घर बन रहा था. So मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं, you know, मैं वापस आऊँ. Now I need to work. I need to work because abhi main, I feel alone. Ye alone matlab mere bacche sab, puri family and I have a lovely family. Lekin ek disha abhi mere ko chahiye. Pehle to tha husband ko dekhna, uska khana peena, and he was a full time job. Khullam khulla pyar karenge hum dono. Khana acha nahi hai, acha nahi hai, wo acha nahi hai, all the time khatpat khatpat khatpat. To mere ko kabhi maine socha bhi nahi ki main kahin ja sakti hu, you know. So I had to be with him. लेकिन अभी मैं सोचती हूँ, बिकॉज नाउ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, आई वांट टू कीप के कुछ टू लुक फॉरवर्ड टू. आई नीड समथिंग टू वर्क, आई नीड टू डू समथिंग नाउ. वाओ, कांट वेट, कांट वेट, एब्सोल्युटली. और इनफैक्ट मैम कुछ और भी बहुत खास लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं.
Namaskar to the esteemed judges, the hosts. The audience, the wonderful contestants, and my best, best, beautiful mother. मैं आप सबका और इंडियन आइडल का शुक्रगुजार हूं कि आप आज मेरे मॉम को ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। याद है जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शर्माता था मॉम की मूवीज को लेकर। मैं सिर्फ मॉम और पापा के जो मूवी जो साथ में करते थे वही देखता था। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? मॉम, आई एम सो प्राउड ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। मैं आज भी जहाँ भी जाता हूँ इतना प्यार देते मुझे आपकी वजह से। दे रियली रियली लव यू एंड And I'm so, so, so proud of you, Mom. I love you so much. एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। मुझे याद है जब मेरी बहन और मैं छोटे थे तो मॉम ने रिधिमा और मुझे क्लासिकल सिंगिंग क्लासेस में भर्ती किया था। जो हमारे गुरु जी थे, क्लास के बाद जब वो मम्मी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को तो सिखा पाऊंगा लेकिन जो आपका बेटा है उसके पास ना सुर ना ताल की अंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज आप इन्हें कराटे क्लासेस या किसमें भर्ती कीजिए क्योंकि उनसे तो ये ना हो पाएगा। मॉम मेरी प्रेरणा है। शी वॉज माई रोल मॉडल, शी इज एंड शी विल ऑलवेज बी। जितनी भी मुश्किलें आई छोटी या बड़ी, उन्होंने एक मिनट में उनका हल ढूंढा। जब मैं छोटी थी तब मैं मम्मी से बहुत डरती थी, पर जैसी बड़ी हुई, शादी हुई, समारा हुई, अब मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एक भी दिन नहीं जाता है जब मैं मम्मी से फोन पे बात नहीं करती हूँ। द पास्ट कपल ऑफ इयर्स हैव बीन वेरी हार्ड फॉर अस एज अ फैमिली, और जिस तरीके से मम्मी ने सबको हैंडल किया है, एक बार भी हमारे सामने शी हैजंट ब्रोकन डाउन। बचपन में पापा मुझे मुश्क बुलाते थे, सिर्फ पापा मुझे मुश्क बुलाते थे, तो वो ऑफकोर्स बहुत याद आता है। अभी भी लगता है कि वो गए नहीं है, इधर ही है, मेरे पास ही है वो। जहाँ भी मम्मी जाती है उनके साथ वो जाते हैं, क्योंकि ही कुड नॉट डू विदाउट माई मदर। मम्मी बाथरूम में जाती थी एंड ही वाज लाइक कहाँ गई नीतू, यू नो, ही वाज लाइक दैट। ही वाज सो मच इन लव विथ मम्मी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव ऑल नानीज फिल्म्स। यू आर वेरी नाइस नानी एंड आई लव यू सो मच। माँ, आप हमारे फैमिली की आयरन लेडी हो। आई लव यू, वी ऑल लव यू, एवरीवन लव्स यू। यू आर आवर टाइमलेस इंडियन आइडल। Thank you. This is lovely. Really, it's beautiful. And हो जाता है। ह्यूज फैंग्स ऑपरेशन। मेरा उनका एक ऐसा कनेक्ट है, मैं जहां रहूं तेरी याद साथ है वो गाने के लिए। तो मैं आज उनके लिए गाना चाहता हूं आपके सामने। इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। हो जाए सर। आई लव दिस सॉन्ग। एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट्स शॉट ऑन अक्षय कुमार जी, बट
मैं जहां रहूं तेरी याद साथ है शॉर्ट ऑन ऋषि जी. सो दिस सॉन्ग मैं जहां रहूं नीतू जी, दिस इज फॉर ऋषि जी. माय फेवरेट. यस. कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है. बस याद साथ है तेरे साथ है तेरे टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है नीतू जी की भतीजी करिश्मा कपूर उर्फ लोलो. ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मदर इंडिया का वर्ल्ड फेमस विलन था लाला. ट्रिपल एचआर जिस कॉमिक कैरेक्टर के लिए मग्गे में कूद कर अपनी जान दे सकते हैं वो है लुलू. फेमस विलन अजीत की फेवरेट चमची जिनसे वो कहते थे डोंट बी सिली थी लेले. जब लोलो लाला लिली और लुलू इतने फेमस हो सकते हैं तो इनसे क्या कम है वो जो उठाते हैं कई किरदारों का बोझ ऑन हिज घमेले. लोलो लाला लिली लुलू सीरीज के आखिरी अवेंजर लेले नचिकेत लेले. और उनके साथ आ रहे हैं सिंगर विद 100% रोमांस एंड 0% रंजिश मोहम्मद दानिश. दुनिया में नहीं है आ मेरा सा दीवाना
दुश्मन अपनी आता है यारों से जूता दानिश, बहुत अच्छे नचिकेत, मजा आ गया। मेरा फेवरेट है ये छूकर मेरे मन को। इसकी मेलोडी इज सो ब्यूटीफुल, वो जब भी सुनो ना इट काइंड ऑफ छू जाता है। बाकी योर परफॉर्मेंस, मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप लोग कैसे जज करते हो यार, आउटस्टैंडिंग। और बचना हसीनो, माय गॉड, बचना हसीनो इज एक्चुअली आइकॉनिक मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गाया, फिर मेरे बेटे ने गाया। जो मेरे बेटे ने गाया और जो पहले वाला गाना था उसको और भी ऊंचाई पे ले गए मिस्टर विशाल। और भी ऊंचाई तो नहीं, मैंने और भी ऊंचाई नहीं बोल सकते, हम बस पंचमदा के पैर छू रहे थे, दैट्स ऑल। यू टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल। आई मीन द थिंग्स यू एडेड एंड इट वाज समथिंग एल्स, इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैम, छूकर मेरे मन को याराना फिल्म से है, और ऐसा सुना है कि इसमें से जो एक गाना था वो जब शूट हो रहा था तब ऋषि सर और आप थोड़े नाराज थे। नॉट नाराज जी, नाराज नहीं थे, हमारी ये शूटिंग चल रही थी कलकत्ता में। जी जी मैम, एंड कलकत्ता में वो गाना चल रहा था, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। तो मैं पहले तो आती हूँ गाने में, बड़ा ऐसे ऐसे करके स्काफ करके आई, बड़े वो सो गाने को काफ़ी टाइम लग रहा था जी, और उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे, सो कुछ फोन्स का कुछ लाइंस डाउन हो गई, एंड आई डिडंट स्पीक टू माय बॉयफ्रेंड फॉर 2-3 डेज। हमेशा हमारे झगड़े होते थे, और झगड़े किस बात के कि तूने फ़ोन क्यों नहीं किया, आई हैव स्टक इन अ शॉट, अच्छा योर शॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, योर शूटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट, इसमें इतने बड़े बड़े झगड़े होते थे। सो देयर वाज़ अ सॉन्ग इन छूटा कहीं का, जीवन के हर मोड़ पे, राइट। तो गाने में हम लोग डांस कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, बट एक्चुअली वी हैड ब्रोकन अप।
और मैं मेकअप रूम में रो रो के बुरी हालत थी. मेरा डॉक्टर आया हुआ था, मेरे को इंजेक्शन मार रहे हैं. फिर जब शॉट हुए, जीवन के हर मोड़ पे. और एक दूसरा सॉन्ग था जिसमें हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वो था पर्दा है पर्दा. पर्दा है पर्दा के दौरान हे भगवान, इतना झगड़ा. फिर लास्ट में ना जब वो लेके फूल लेके जाती है स्टेज पे और देती है, हाँ, जी, जी, वो जो फेंकते हैं फूल, मेरे को लगा ये फूल से ना इसके सर तोड़ दूँ. अपने रोमांटिकली में देती हूँ ना, थॉट करने के मारू इसको, जहर लग रहा था मेरे. Even he was in a bad mood. अब गाना देखिए, आज लग गया हम तो बस बहुत in romance है, we are like together, ऐसा कुछ नहीं था. मैं देख रहा था पीछे से, नीतू मैम बैठे बैठे डांस कर रही थी, आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी. मेरे को याद है ये सब स्टेप्स, यू नो आई मीन, इतने आइकॉनिक थे तभी, आई स्टिल रिमेम्बर द स्टेप्स. और मेरे को याद है ये गाना मैं कर रही थी महबूब स्टूडियो में, एंड आई वाज डूइंग विद रणधीर कपूर, एंड उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी. So I went from Mehboob to wish Karishma. Karishma tabhi she was born. Oh. Is gaane ke time mein. Hai de hai mera kumbta. Aur aapka range kya hai, my God. Matlab kya gaate ho aap dono? Outstanding. Thank you so much, ma'am. Kya baat hai Anjali aur Savai? Ek baar zordar taaliyan ho jaye dono ke liye. Judges, pause de dijiye please. खास दोस्त हैं ऋषि सर और नीतू मैम के. उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली हैं जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं. आइए देखते हैं. ऋषि कपूर, आप दुनिया के लिए ऋषि कपूर हो, हमारे लिए हमेशा चिंटू थे. और मेरे लिए वो मुझे शंभू बुलाता था, मैं भी उसे शंभू बुलाता था.
मेरी लाइफ में कोई मेरा दिल के इतने करीब रहा है वो ऋषि कपूर था, मेरा शंभू था। हर वक्त आती रहती है मुझे उसकी याद। पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, पार्टी करना अच्छा नहीं लगता, वो मेरी पार्टी की जान हुआ करता था। हमारा ग्रुप था, राकेश रोशन, मैं, ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा भी था उसमें। ऋषि जी यानी चिंटू मेरे रिश्तेदार है, उसकी मधु की छोटी बहन के साथ मेरी शादी हुई हुई है, लेकिन वो नेफ्यू काम के लिए दोस्ती ज्यादा थी। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एक्टर भी था। कि ट्रांजिशन जब रोमांटिक हीरो से करेक्टर रोल्स में आई तो उसने प्रूव कर दिया कि वो कितना वर्सेटाइल है। वी हैव डन मेनी फिल्म्स टुगेदर। आपको ताज्जुब होगा कि उनकी पहली पिक्चर बॉबी में भी मैं था और उनकी आखिरी पिक्चर परेल की पंजाबी शादी में भी मैं ही था। तो फिजिकली ही इज नॉट प्रेजेंट हियर बट आई कैन सी हिम एवरीवेयर because he is in a true sense an Indian idol, a very open-hearted, very frank person. That's why our friendship lasted the last 40-45 years. मैं ऋषि कपूर की एक चीज मिस करता हूँ, वो है कि उससे बात नहीं कर पाता हूँ, but I feel him every time. हम लोग फोन पे दो दो घंटे, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे बातें करते थे. And our friendship got cemented because of our wives. Nitu, आज मुझे इतनी याद आ रही मेरे दोस्त की, मैं बता नहीं सकता हूँ. And you are a brave girl. इतना अच्छा companion, इतनी बढ़िया wife, कोई हो नहीं सकती. जो आपने मेरे दोस्त का, अपने पति का, जो ध्यान रखा, उसकी सेवा की, hats off to you. नितू जी, आपको देखकर बहुत खुशी भी हो रही है, अजीब सी फीलिंग भी हो रही है. बोथ ऑफ यू आर ग्रेट एंड यू विल स्टे फॉरएवर इन द फिल्म इंडस्ट्री. द शो मस्ट गो ऑन, इट शुड गो ऑन लाइक दैट. आंसू तो आ ही जाए. आई मीन इट्स नेचुरल. ऑफ कोर्स आई थॉट मैं आज नहीं रोऊंगी, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट हिम, बट ये प्यार देखे, इट वाज ओवरवेलमिंग. थैंक यू मैम, एंड वी ऑल लव यू. यस ऑफ कोर्स. और एक बार इस जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए. मैम, हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं, फन सा. यहाँ पर स्क्रीन पर छह एक्टर्स की आपको तस्वीरें नजर आएंगी और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको एक एक्टर का नाम लेना है. अपनी गर्लफ्रेंड का जोरू का गुलाम कौन था? आई थिंक जोरू का गुलाम वुड बी चीतू. चीतू जी. शोभा जी वाज वेरी स्ट्रॉंग लेडी. जी बिल्कुल, इनफैक्ट वो जीतू सर भी अग्री करते हैं, जब वो आए थे तो हमारे साथ शेयर किया था उन्होंने. नहीं, मेरे हस्बैंड भी जोरू के गुलाम थे. जब मैं चाहती थी, नॉट ऑल द टाइम, व्हेन आई वांटेड माय वे ही वुड डू इट माय वे. और आखिरी सवाल नीतू जी, इनमें से सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता था? पर द प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत बचपन में स्टार्टेड डेटिंग ऋषि कपूर, राइट? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, तो सबकी मैं भाभी बन गई थी. सो
nobody could flirt. Because my Rishi Kapoor had a lot of power in him, you know, like some, they used to get scared of him. Oh. So if she's Rishi Kapoor's girlfriend means cannot stay away. Stay away. So I became a bhabhi of everybody. So I don't know. Everybody was very sweet. Wonderful. और इसी के साथ हमारा गेम खत्म होता है। मजा आया। नमस्कार। Thank you. आपका मैं बहुत बड़ा die hard fan हूँ। आई थैंक यू। और ये तो कहना बहुत गलत होगा कि बचपन से फिल्में देखी हैं। आप हैं ही ऐसी कि जिनकी फिल्में ना अगर किसी ने ना देखी हो तो वो भारतीय ही नहीं है। अरे यार मुझे लगता था कि मैं नीतू जी का सबसे बड़ा फैन हूँ लेकिन ये जो भारतीय वाली बात कर दी है तुमने तो हिला ही दिया। थैंक यू इंडियन आइडल। आपने मुझे इंडियन आइडल के मंच पर नीतू मैम से मिलने का मौका दिया। ओह माय गॉड। यही कपूर मैम यही बुला रही है पास बुला रही है मैम। मामा जी ये क्या हो रहा है आपके साथ? अरे मिल जाएगा मामा जी फोटो मिल जाएगा। अरे मामा जी यार आप बहुत क्यूट हो यार। प्लीज नीतू मैम स्टेज पे आइए और मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यही कहना चाहती हूँ दैट मेरे लिए आज आना बहुत ज़रूरी था। यू नो आफ्टर वॉट एवर हैपन ये पूरा साल आई नीडेड दैट कॉन्फिडेंस। मैं अपने आप को टेस्ट कर रही थी कि मैं यहाँ जाऊँगी। मैं जब वहाँ पे आई तो आई वॉज शेकिंग एंड देन दिस टुडे हैज़ गिवन मी द कॉन्फिडेंस दैट आई एम ऑल राइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.